हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक न्यू डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने 28 फंदे डाल दिए हैं। मैंने चार कलर यूज़ किए हैं, मैं उसमें सब कलर के चार चार फंदे डाले हैं और कुल 28 फंदे मैंने डालकर इस डिज़ाइन को बनाना है हमें। आप चाहो तो पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो, और जितना बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप फंदे डालकर बड़ा बना सकते हो, और कलर भी उसी प्रकार आप मल्टी कलर में भी बना सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें सब जो कलर जैसा है उसे ऐसे ही उल्टा उल्टा हमें बुन लेना है। इस तरह हमें सब उल्टे उल्टे उल्टी उल्टी सिलाई कर लेनी है हमें सारे फंदे को ऐसे ही। कंप्लीट करना है, जो कलर जैसा है उसे वैसे ही बुनते जाना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से लास्ट के दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहाँ से हम वापस हो जाएंगे, और आगे से हम जो कलर जैसा है उसे वैसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी एक रो कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी रो भी स्टार्ट करें। हमें इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, जो कलर जैसा है उसे वैसे ही बुनते जाना है, और लास्ट में दो फंदे फिर से छोड़ देना है। फिर से मैंने लास्ट के दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से मैं इस कलर से ही वापस हो जाऊंगी, और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही सीधा सीधा हम बुन लेंगे। ये मेरी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है, और फिर से हम ऐसे ही बुनते जाएंगे और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ते जाएंगे। जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुनना है और कुछ भी करना नहीं है, और लास्ट में दो दो फंदे छोड़ते जाना है। जाएंगे और यहाँ 10 फंदे बच जाए तब तक हम यहाँ दो दो फंदे छोड़ते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। इतना मैं कर लेती हूँ, फिर आगे का दिखाती हूँ।
देखो फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट टाइम दो फंदे छूटेंगे, फिर आगे कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगी। आगे से हमें जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुन लेना है, इस तरह से। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कलर जैसा है उसको वैसे बुनते जाना है, और जैसे हम सिलाई लेते हुए उसी तरह ही हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। दो दो फंदे नीचे छोड़ते जाना है और ऊपर 10 फंदे जब रह जाएंगे तब तक हमें फंदे को छोड़ते जाना है दो दो करके नीचे से। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आगे कैसे करते हैं हम और कैसे कलर चेंज करना है हमें। देखो फ्रेंड्स, मेरे सारे फंदे छूट गए हैं। अगर आप 40 फंदे का बना रहे हो तो 30 फंदे नीचे छूटेंगे दो दो करके और 10 फंदे रह जाएंगे। ये हमारे 10 फंदे इधर यहाँ तक है और नीचे की साइड हमें दो दो फंदे करते हुए छोड़े हुए हैं। और अब ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब आगे कलर कैसे चेंज करते हैं वो दिखाती हूँ। या हम रेड कलर से बुनेंगे, यहाँ से हम अब रेड कलर लेंगे, रेड कलर के 4 फंदे बुन लेंगे। जब 10 फंदे रह जाते हैं तब हमें कलर चेंज करना होता है, और ये रेड वाला हो जाएगा ग्रीन, जो पास में कलर है वो आगे लगेगा हमारा। इस तरह से, और ग्रीन हो जाएगा येलो। इसमें बस कलर कौन सा लगेगा, कब लगेगा वो ही याद रखना है। जो भी हमें फंदे छोड़े हैं वो सब अब इसमें बुनते जाएंगे। अब येलो हो जाएगा, साइड में है हमारा ब्लू कलर, तो ब्लू से हम बुन लेंगे। इस तरह से हमारा कलर चेंज होता रहेगा और दूसरी कली भी शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ। अब ये यहाँ से हम ब्लू वाला रेड बना देंगे। इस तरह से ही हमें कलर चेंज करना है। अब देखिएगा, ये रेड वाला कलर जो है वो ग्रीन नहीं होगा, जो हमने यहाँ पहले लिया होगा, जो कलर हमने यहाँ लिया वही कलर यहाँ लगेगा। जैसे हमारा रेड अभी आया है, रेड अभी आया है तो रेड ही लगेगा। अगर आपका ब्लू आ रहा है तो ब्लू, आप जो भी कलर लगाओ वही कलर यहाँ लगेगा। और लास्ट के जो फंदे हैं ग्रीन कलर के, वो हमारा ग्रीन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर ग्रीन आ रहा है तो 4 फंदे ये और 4 फंदे फिर से ग्रीन, उस तरह से 8 फंदे हमारे ग्रीन के हो जाएंगे। इस तरह से हमारा कलर चेंज होगा। यहाँ हमारे 8 फंदे बन गए हैं रेड के। जो कलर है यहाँ हम लेते हैं वही यहाँ लास्ट में डालना होता है। ये कलर, ये और ये 4 कलर
के फंदे हैं ग्रीन, वो ग्रीन ही रहेगा, वहाँ कलर चेंज नहीं होगा। जो भी कलर हम पास में होगा उसको आगे करते करते जाएंगे और हमारी एक कलिप कंप्लीट होती जाएगी और डोरमेट भी तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है, आप भी ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।